यदि आप भी चाहते हैं अपने फेसबुक अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन करके वहां पे कुछ समय तक कार्य करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाता है तो किस प्रकार से आप अपने अकाउंट को वहां से लॉग आउट करेंगे, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मल तरीके से अगर आप अपने अकाउंट को उस दूसरे डिवाइस से लॉग आउट करते हैं तो कुछ समय के बाद पुनः आपका अकाउंट उस दूसरे डिवाइस के अंदर लॉग इन हो जाता है, जिस कारण से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि आप अपने अकाउंट को तो लॉग आउट करके घर चले जाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट उस दूसरे डिवाइस के अंदर पुनः लॉग इन हो जाएगा और जिसका भी वो डिवाइस होगा वह आपके अकाउंट के अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकता है, आपके अकाउंट को डिलीट कर सकता है या आपके अकाउंट पे गलत गलत पोस्ट कर सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कैसे अपने अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस से परमानेंट से रिमूव किया जाएगा, इस पर भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी फेसबुक यूजर्स के लिए जो कि अपने अकाउंट को वो कभी कभी दूसरे डिवाइस के अंदर लॉग इन करते हैं लेकिन वो सही से लॉग आउट नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। आप अपने अकाउंट को कई प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर अपने अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वहां पे क्रोम ब्राउजर में जाना होगा, फेसबुक लॉगिन सर्च करके वहां से आप लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप अपने अकाउंट को किसी मोबाइल के अंदर लॉगिन करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा आप वहां पे क्रोम ब्राउजर में भी जाके फेसबुक लॉगिन लिख के वहां पे आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं, या आप चाहें तो आप जो है फेसबुक के एप्लीकेशन का यूज करके वहां पे अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। उसमें से आपको दो एप्लीकेशन मिलेंगे, सबसे पहला एप्लीकेशन होगा फेसबुक, दूसरा होगा फेसबुक लाइट, तो इनका भी यूज करके आप यहाँ पे कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक मोबाइल की स्क्रीन पर जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप एक मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। इस मोबाइल के अंदर हम यहाँ पे फेसबुक को पहले से इंस्टॉल करके रखे, मैं फेसबुक का यूज यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप फेसबुक का आप देख सकते हैं लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं फेसबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ भी यहाँ पे ऐसे फेसबुक के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे फेसबुक पे क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल जो है इनका जो था एप्लीकेशन था, ऐसे ही आप चाहें तो फेसबुक लाइट पे भी कार्य कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से पहले अकाउंट एक लॉगिन है तो मुझे ये अकाउंट लॉग आउट करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे हम थ्री डॉट पे जाते हैं और इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लॉग आउट का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉग आउट पे क्लिक करना होगा और आपका यहाँ पे अकाउंट लॉग आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे लॉग आउट होता है आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। ये मैं कार्य इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे फेसबुक के अंदर पहले से एक अकाउंट लॉगिन था, तो जब एक अकाउंट लॉगिन होगा जब तक आप उसको लॉग आउट नहीं करेंगे आप नए अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यहाँ पे आप अकाउंट को लॉग आउट कर देंगे। अगर आप कोई नया भी फेसबुक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा अकाउंट परमानेंट रूप से लॉग आउट हो चुका है, जो कि एक पहले से यहाँ पे लॉग इन था। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है लॉग इन टू इन अदर अकाउंट, जो कि यहाँ पे देखेंगे नीचे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, इसी पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आप किसी दूसरे अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पे आपको क्या है एक बार क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ से आपको मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड फिल करना होगा। तो जो भी आपके अकाउंट का ईमेल आईडी और पासवर्ड है उसको यहाँ पे आपको अच्छे से फिल करना होगा। तो मैं भी यहाँ पे अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिल करने की कोशिश करता हूँ और आपको ध्यान रहे कि यहाँ पे कोई भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप थोड़ी भी मिस्टेक कर देते हैं तो ये आपका अकाउंट लॉगिन नहीं होगा। और अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे पासवर्ड का भी आपको फॉरगेट का ऑप्शन है, यहाँ से आप पासवर्ड को पुनः चेंज कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपनी जीमेल आईडी और अपना पासवर्ड अच्छे से याद है इसलिए मैं यहाँ पे अपने पासवर्ड को फिल कर देता हूँ और जीमेल आईडी को फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी के ऊपर आपको एक बार क्लिक करना होता है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं आपका अकाउंट यहाँ पे लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लॉगिन होने में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कि कहेगा कि आप जो है अपने पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं इस डिवाइस के अंदर। तो आपको कभी भी जब भी आप कोई भी अकाउंट किसी दूसरे डिवाइस के अंदर अपना लॉगिन करें तो कभी भी आपको अपना पासवर्ड सेव नहीं करना है, क्योंकि वहां पे अगर आप पासवर्ड सेव कर देंगे तो आपका पासवर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, तो पुनः वो आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। इसलिए
कभी भी आपको सेव नहीं करना, इसलिए आपको यहाँ पे नेवर पे क्लिक कर देना है। जैसे नेवर पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिला है कि चेक योर नोटिफिकेशन ऑन द अनदर डिवाइस। ये ऑप्शन उस समय आपको देखने को मिलेगा जब आपने उस फेसबुक के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करके रखा होगा, और टू स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपने ऑन नहीं किया है तो जरूर जाके ऑन कर लें। इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा जहां पे मैंने डिटेल से समझाया है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कैसे किया जाता है और इसको ऑन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है और मैं अपने अकाउंट को दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन कर रहा हूं, लेकिन ये लॉगिन नहीं होगा जब तक हम इसको परमिशन नहीं देंगे। तो परमिशन देने के लिए आपने जिस मोबाइल से टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन किया होगा उस डिवाइस के अंदर जाना होगा, वहां से आपको परमिशन देनी होगी। तो इसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं साइड में मेरा एक और मोबाइल है जिसमें एक मैसेज आ चुका है। इस मैसेज को यहां पे हम जाते हैं ओपन करते हैं। अब ओपन करेंगे इसमें भी आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन होगा नो इट्स नॉट मी। अगर यहाँ पे आप नो इट्स नॉट मी कर देते तो आपका अकाउंट वहां पे लॉगिन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आप कह देते कि एस इट्स मी अर्थात ये मैं ही हूं तो आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है एस इट्स मी इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखते आएगा फिर से आपको फिनिश पे क्लिक करना होगा। जैसे फिनिश पे आप क्लिक करेंगे इधर अभी आप देखेंगे आपका अकाउंट इधर साइड वाले मोबाइल में लॉगिन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। और जब आपका यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो जाता है अब आप इसको बहुत ही अच्छे से इस दूसरे डिवाइस के अंदर यूज कर सकते हैं। अब ये यूज होने के बाद अब आप यहाँ पे जब इसको लॉग आउट करेंगे तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसके लिए यहाँ पे आपको क्या है, पुनः लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके सेटिंग पे जाके या नीचे लॉगआउट का ऑप्शन मिलेगा इस पे क्लिक करना होगा। जैसे लॉगआउट करेंगे पुनः लॉगआउट पे क्लिक करना होगा, पूछेगा आपसे लॉगआउट के ऊपर। आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका अकाउंट क्या है लॉगआउट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा कंटिन्यू का ऑप्शन, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होता है और आपका यहाँ से अकाउंट लॉगआउट हो गया। अब यहाँ पे लॉग आउट तो हो गया, अगर अभी देखना मैं यहाँ से पुनः अपने अकाउंट को यहाँ पे देखो लॉग आउट तो कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पे अकाउंट अभी शो हो रहा है। और उस अकाउंट पे हम जैसे क्लिक कर देते हैं मेरा अकाउंट यहाँ पे देखो पुनः लॉगिन हो गया, अर्थात मैंने लॉग आउट तो किया था लेकिन पुनः मेरा अकाउंट इस डिवाइस के अंदर लॉगिन हो गया। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे अपने डिवाइस से अर्थात दूसरे डिवाइस से अपने अकाउंट को परमानेंट रूप से लॉग आउट किया जाए। अब परमानेंट से कैसे लॉग आउट करेंगे इस पर हम थोड़ा सा डिटेल से बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मेरा अकाउंट लॉग आउट किया था फिर भी लॉग इन है, मेरा पुनः फेसबुक अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बार बार हमारा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन हो जाता है, लॉग आउट अच्छे से नहीं हो पाता। इसके लिए अब आपको उस डिवाइस के अंदर जाना पड़ेगा जो कि आपने डिवाइस के अंदर पहले से क्या है जहां पे आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए परमिशन दी थी, तो उस डिवाइस के अंदर आपको जाना होगा। जैसे कि यहां पे आप पास में देख सकते हैं मेरा वो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर आपको जाना होगा, वहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। थ्री डॉट पे आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देता होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सेटिंग वाले ऑप्शंस के ऊपर आपको क्या है क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेंटर में जाना होगा। अकाउंट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे अकाउंट सेंटर पे क्लिक करेंगे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे जाना होगा। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको दूसरे नंबर पे दिख रहा होगा वेयर यू आर लॉगिन, वेयर यू आर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहां से आपको वो अकाउंट सिलेक्ट करना जो कि आपने दूसरे डिवाइस के अंदर लॉगिन किया था, क्योंकि मैंने फेसबुक अकाउंट को अभी एक दूसरे डिवाइस में लॉगिन किया था तो वहां से लॉग आउट नहीं हो पा रहा। इसके लिए मैं इस ऊपर वाले फेसबुक पे क्लिक करता हूं। जैसे फेसबुक वाले आप ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक नया इसका पॉपअप ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे दिखेगा कि आपका अकाउंट कहाँ कहाँ पे लॉगिन है। आप चाहें तो यहाँ से हर एक जगह से अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं। तो लॉगिन ऑन अदर डिवाइस लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे तो पहले ही आपको दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी A04E, इस पे मैंने लॉगिन किया था, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे लॉग आउट पे क्लिक कर देना है। लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो उस डिवाइस से आपका अकाउंट अब ऑटोमेटिक रूप से लॉग आउट हो जाएगा, वहां पे आपको लॉग आउट करने की कोई जरूरत नहीं। लॉग आउट पे आप यहाँ जैसे क्लिक करेंगे अभी दूसरे
जो आपका पहला मोबाइल है उस पर एक मैसेज भी आ जाएगा जो कि दूसरे डिवाइस के अंदर आपने लॉग इन किया था, जैसे कि आ चुका है, देख सकते हैं सेशन एक्सपायर लिख के आ चुका है, सेशन एक्सपायर ही हो चुका है। अब यहाँ से आपका अकाउंट ऑटोमेटिक क्या रिमूव हो जाएगा, अब यहां से आप पुनः लॉग इन नहीं कर पाएंगे। अगर आप पुनः लॉग इन करते हैं तो आपको सेम वही स्टेप पूरे के पूरे फॉलो करने पड़ेंगे, आपको पुनः पासवर्ड डालना पड़ेगा, जीमेल आईडी डालनी पड़ेगी, फिर आपको वहां से पुनः परमिशन देनी पड़ेगी, तब परमिशन देंगे फिर तभी आपका डिवाइस पे यहां पे लॉग इन होगा। जैसे कि यहां पे मैं अभी देखो लॉग इन पे क्लिक करता हूं तो मेरा यहां पे लॉग इन नहीं हो रहा, पासवर्ड पूछ रहा है। अगर मैं पासवर्ड भी डाल दूंगा तो फिर से परमिशन जाएगी हमारे डिवाइस पे, परमिशन देंगे तभी लॉग इन होगा। तो इस प्रकार से आप अपने अकाउंट को किसी दूसरे डिवाइस से कैसे परमानेंट रूप से लॉग आउट करते हैं, इस पे आज हमने डिटेल से बात किया। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।